रेडिकल रियल्टी मीडिया फाउंडेशन ने नोएडा चैप्टर की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के तहत पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट के बायर्स एसोसिएशन को एक मंच पर लाया जाएगा। नोएडा सेक्टर 29 के अरुण विहार इंस्टीट्यूट क्लब में हुए कार्यक्रम के दौरान थ्री चैप्टर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई। रियल्टी मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक महेश दत्त ने बताया कि जिस लड़ाई को आज छेड़ा गया है वो सफलता मिलने तक जारी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जल्द ही गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और चंडीगढ़ चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। नोएडा चैप्टर के लिए कर्नल नागरथ प्रेसिडेंट और पंकज नागलिया जनरल सेक्रेटरी चुने गए। ग्रेटर नोएडा के लिए गुरमुत सिंह प्रेसिडेंट और एनएस डिंगड़ा जनरल सेक्रेटरी चुने गए। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए कर्नल भूपेंद्र सिंह मलही प्रेसिडेंट चुने गए। अब अगली मीटिंग 17 सितंबर को होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.